जो पिए सीमा होके बवाल। दिन रात पढ़ना है मजा वो धमाल। काम कर ले थसरे टेंशन, अरे काम कर ले थसरे टेंशन, जब अफसर बन के ते घर पे धमाल। ये कैसे होगा सर? Hello and welcome back to the top MCQ series of COCO, in which we are going to cover the complete syllabus of CGPSC 2024 through our MCQs. इससे बेनिफिट आपको मालूम है, एक तो आपको MCQ सॉल्व करने का आपको आइडिया मिलेगा, पिछले एग्जाम में क्या क्वेश्चंस पूछे हैं वो मिलेंगे आपको, और अपकमिंग एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछने की संभावना है उन क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, साथ में उसके कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। तो जो आज का टॉपिक है वो है आपका एवरेज, और टॉपिक हमारा है औसत। औसत एवरेज हम देख के हम समझ जाते हैं इस औसत का मतलब यहाँ पर क्या होता है। इस औसत का मतलब होता है मध्यमान, या इसको हम बोल सकते हैं समांतर माध्य भी बोल सकते हैं, या इसे हम माध्यिका भी कह सकते हैं। दिस एवरेज मीन्स आपको बोलेगा कि आपको बोल सकता है कि मीन निकालो, या आपको बोलेगा मीडियन निकालो, या आपको बोलेगा कि एरिथमेटिक मीन निकालो, ऑल हैव द सेम मीनिंग। ठीक है, तो इस एवरेज का मतलब हम समझ लेते हैं कि एवरेज बेसिकली क्या होता है। एवरेज का मतलब यहां पर क्या होता है कि आपको जितने भी नंबर्स देंगे, जितने भी ऑब्जर्वेशन देंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। मतलब आपको जितनी भी संख्याएं दी हुई है उन सारी संख्याओं का योग बटे यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर होगा कुल संख्या। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है एवरेज का। आपको जितने भी नंबर्स देंगे आप उन सभी नंबर्स को जोड़ देंगे, डिवाइडेड बाय आपको जितना नंबर्स देगा उसे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला है 4, 10, 12 और 18 का आपको औसत निकालने बोला है। तो यू हैव 4 नंबर्स एंड द नंबर्स आर 4, 10, 12 एंड 18, और आपको उसका एवरेज निकालने बोलेगा, तो वो होगा आपका 4 + 10 + 12 + 18 भागित, आपके पास 4 नंबर है तो 4 से क्या करेंगे हम डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या होता है, औसत का सबसे बेसिक हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, बाकी आगे क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चन के साथ में हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले को हम समझते रहेंगे। जो फर्स्ट आया है, वी हैव टू फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 इवन नंबर्स, पहले 10 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत निकालना है। ठीक है, क्या बोला हमारे पास, सम संख्याओं का औसत आपको निकालना है। अगर आपको एन सम संख्याओं का औसत निकालना है तो हमारा आंसर यहां पर क्या होगा, जो हमारा आंसर होगा वो होगा n+1 होगा। अगर बोलेगा पहली n प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो क्या है, सम हो, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, n हमारे पास, ये हमारे पास आंसर होगा n+1 किसके लिए, इवन नंबर के लिए, सम संख्या के लिए। इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, 10+1, ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 11। ठीक है, अच्छा अगर सपोज ये सम की जगह हमको यहाँ पर विषम संख्या दिया हुआ है, ऑड नंबर दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एन ही हमारा आंसर होगा। जैसे बोलेगा पहली 10 प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत, फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर्स, सो आवर आंसर विल बी, यहाँ हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोलेगा, इवन बोलेगा तो n+1, ऑड बोलेगा तो n, और अगर सपोज यही आपको n नेचुरल नंबर बोला है शुरुआत का, अब ना सम बोला है ना विषम बोला है, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, n+1 अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अगर सपोज यही हमको यहाँ पर प्राकृतिक की जगह
आपको पूर्ण संख्या बोलेगा तो ये क्या हो जाएगा, n माइनस वन अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। तो हम समझ गए कि सम संख्या का क्या होगा, विषम संख्या का क्या होगा, पूर्ण संख्या का क्या होगा और प्राकृतिक संख्याओं का क्या होगा। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं हम। जो अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ क्रमागत संख्या पे दिया हुआ है। द एवरेज ऑफ द 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज n, इफ द नेक्स्ट 2 नंबर्स आर इंक्लूडेड द न्यू एवरेज विल बी। अच्छा, क्रमागत संख्या बोलते हैं तो हम ये जानते हैं क्रमागत संख्या मतलब एक के बाद एक संख्या आती है, ठीक है। अच्छा, अब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट विद एग्जांपल नंबर लेके चलते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट भी पूरा क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं हमारे पास 7, 8, 9, 10 और 11 ये हमारी क्रमागत संख्या है। ऐसी हमारे पास 5 क्रमागत संख्या, ठीक है ना, 5 क्रमागत संख्या हमको दिया हुआ है, ठीक। जो क्रमागत संख्या होता है वो सीक्वेंस किस में होता है, अगर मान लो पहला x हुआ तो दूसरा यहाँ पर क्या होगा, x प्लस 1 होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा, x प्लस 2 होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा, x प्लस 3 होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा, x प्लस 4 होगा, इसी वे में बढ़ेगा हमारे पास, ठीक है ना, इसी वे में यहाँ पर हमारे पास बढ़ता है। जब भी क्रमागत संख्या बोलेगा वो सम संख्या बोला, विषम संख्या बोला, क्रमागत संख्या बोला तो एक सीक्वेंस में चलेगा जिसके बीच गैप कॉमन का होता है। तो जब गैप कॉमन का होगा तो हमारे पास कितने नंबर है, 5 नंबर है, मान लो 1, 2, 3, 4, 5, तो जो औसत होगा ना ये मध्य वाला संख्या हमारे पास औसत होगा, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं, हमको ऐसा मान लेते हैं कि हमको 4 संख्या दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में ये जो संख्या बीच वाला होता है वो यहाँ पर क्या होगा, औसत होगा। इसी सीक्वेंस में अगर हमको यहाँ पर मान लो 7 संख्या दिया हुआ है तो इसमें ये जो बीच वाला संख्या हुआ, 3 संख्या इधर 3 संख्या उधर, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा बीच का क्या होगा, औसत मान होगा, ये हमारे पास होगा, ठीक। तो हम ये समझें कि औसत क्या होता है, बीच वाली संख्या होता है। तो अब अगर सपोज मैं इसमें अगली एक संख्या जोड़ देता हूँ तो अब ये संख्या यहाँ पर क्या हुआ, 12। पहले अगर मैं 5 संख्या लिया तो 5 में औसत यहाँ पर क्या था, यहाँ जो औसत था वो ये वाली संख्या था, उस वक्त औसत कितना था, 9 था। अब अगर सपोज मैं एक संख्या जोड़ लिया और अगर मैं इसमें 12 को लेके आ गया, अब 6 संख्या हो गया तो औसत क्या होगा, इसके मध्य वाला होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, 9.5, तो अगला यहाँ पर क्या होगा, 9.5 होगा। इसी में अगर सपोज मैं अगली संख्या 13 को जोड़ लिया तो अब औसत यहाँ पर क्या होगा, ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हम ये चीज़ समझते हैं, जब भी क्रमागत संख्या में अगली एक संख्या जोड़ेंगे, हमेशा क्या करेंगे, जब अगली एक संख्या जोड़ेंगे तो 0.5 का क्या होगा, वृद्धि होगा। कब, अगर सपोज हमको क्रमागत संख्या दिया हुआ है, अगर अगली एक संख्या जोड़ा या सामने की एक संख्या निकाला तो 0.5 का यहाँ पर क्या होगा, वृद्धि होगा। तो वैसे ही हमारे पास अब यहाँ पर क्या आया है, 7 संख्याओं का औसत दिया, अगले 2 संख्या जोड़ दिए, कितना संख्या दिया है, 2 संख्या जोड़े हैं, तो 2 × 0.5 तो कितना हो जाएगा, 1। इसका मतलब औसत में 1 का वृद्धि होगा। पहले हमारे पास औसत क्या था, एन था, तो अभी हमारे पास औसत क्या हो जाएगा, एन प्लस 1, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम फिर से समझते हैं क्या होता है, किस तरीके से होता है। अगर आपको क्रमागत संख्याओं के बारे में बात कर रहा है, ये आपको लाइन से क्रमागत संख्या आपको दी है, कोई सा भी आपको क्रमागत संख्या आपको लाइन से दिया हुआ है, ठीक है, क्रमागत संख्या दिया हुआ है। अगर सामने की एक संख्या को, सामने की एक संख्या को निकाला जाए, या ये मतलब यहाँ के जो सामने के एक नंबर, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, या इसके बाद में एक नंबर को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको जो अगला लास्ट के एक नंबर है उसको हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, मतलब जोड़ रहे हैं। तो इस कंडीशन में हमेशा एक संख्या में क्या होगा, 0.5 का वृद्धि होगा, दो संख्या में क्या हो जाएगा, 2 × 0.5, ये कितना हो जाएगा, ये जो होगा ये कितना हो जाएगा, ये 1 का वृद्धि होगा। अगर सपोज 3 संख्या आ गई तो 3 × 0.5 1.5 का वृद्धि होगा, इसी कंडीशन पे होगा।
और अगर सपोज इस क्रमागत संख्या की जगह अंको क्रमागत सम संख्या दिया है या क्रमागत विषम संख्या दिया हुआ है, दैट मीन्स इफ वी हैड गिवन ऑड नंबर और सॉरी इफ हैड गिवन इवन नंबर एंड ऑड नंबर, यहां पर क्या होता 0.5 का वृद्धि हो रहा था, उस कंडीशन में कितने का वृद्धि होगा, एक का वृद्धि होगा। अगर अगली एक इवन नंबर जोड़ा या सामने का एक इवन नंबर हटाया क्रमागत संख्या में जो होगा, या सामने के विषम संख्या में एक संख्या को हटाया या उसके अगली एक संख्या को जोड़ा, इन ऑल द कंडीशन उसमें क्या होगा, एक संख्या में कितना वृद्धि होगा, प्लस वन का वृद्धि होगा, दो संख्या में कितने का वृद्धि होगा, प्लस टू का वृद्धि होगा, तीन संख्या बोलूंगा तो क्या होगा, प्लस थ्री का वृद्धि होगा। तो क्रमागत संख्या में 0.5 का सीरीज चलेगा और क्रमागत सम संख्या और विषम संख्या में ऑड नंबर और इवन नंबर में एक एक का सीरीज चलेगा। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 35 संख्या का औसत दिया हुआ है 25। हमारे पास 35 संख्या है, उनका औसत दिया हुआ है 25। यदि प्रत्येक संख्या को 5 से गुना किया जाए, हर एक नंबर को, सिर्फ एक नंबर को नहीं, जितने नंबर्स दिया है अगर हम सारे नंबर्स को क्या करेंगे, 5 से गुना करेंगे, तो नया एवरेज कितना हो जाएगा, 25 × 5, ये हो जाएगा 125। जब भी प्रत्येक का बात होगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो कलाकारी होगा हम उसमें पूरे के पूरे में करेंगे। मान लो सपोज आपको उस 35 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 25। अगर प्रत्येक में 5 का वृद्धि करते हैं तो नया औसत कितना हो जाएगा, 30। अगर प्रत्येक में 5 का कमी करते हैं तो नया औसत कितना हो जाएगा, 20। अगर प्रत्येक में 5 का भाग करते हैं तो नया औसत कितना हो जाएगा, 25 / 5 कितना हो जाएगा, 5। ये हमारा आंसर होगा। जब बात प्रत्येक की करेगा तो हर एक में वहां पर क्या होगा, कार्यक्रम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। यहां पर क्या बोला है, 3 के पहले 5 गुणकों का औसत, फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक इंपॉर्टेंट चीज यह है कि कहीं पर भी आपको, आपको जो नंबर्स आपको देते हैं, अगर उन नंबर्स के बीच में अगर गैप कॉमन हुआ है, मतलब उन संख्याओं के बीच में अगर अंतर समान होगा, तो उस संख्या में, तो उस कंडीशन पे जो औसत होगा वो होगा फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 4, 7, 10, 13, 16, 19 और 22। मुझे बोला है कि इसका औसत निकालना है। ठीक है, तो जब मैं क्वेश्चन को देखा तो यहाँ पर एक चीज़ समझ में आया कि इन नंबरों के बीच में सभी में 3-3 का अंतर है। सभी में कितने का गैप है, 3-3 का गैप है। तो जब गैप 3-3 का होगा तो गैप कॉमन होगा, तो अब बोलेगा कि इसका एवरेज निकालना है। तो फर्स्ट नंबर क्या हुआ, 4, लास्ट नंबर क्या हुआ, 22। तो 4 + 22/2, तो ये हो जाएगा 26/2, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 30। ये हमारा आंसर हो जाएगा इन सभी संख्याओं का। ठीक है, अब वैसे हमको गुणज बोलेगा। अगर मैं बोला कि मुझे 7 का गुणज चाहिए तो क्या होगा, 7 का पहला गुणज क्या होगा, 7, 7 का दूसरा गुणज क्या होगा, 14, फिर क्या होगा, 21, फिर क्या होगा, 28, फिर क्या होगा, 35, इसी वे में चलते रहेगा। अगर सपोज ऐसा करते करते मैं 77 तक लिख लियो, मतलब 7 का ये क्या हुआ, ये 7 का हुआ पहला गुणज और ये 7 का कौन सा हुआ, 11वां गुणज हुआ। ठीक है ना, अब मुझे बोलेगा कि इसका औसत निकालना है। अगर गुणज बोलूँगा 7 का, तो एक संख्या से दूसरे संख्या के मध्य कितने का गैप होगा, 7 का होगा, क्योंकि वो 7 का गुणज है। अगर मैं बोला 4 का गुणज, तो एक संख्या से दूसरी संख्या के मध्य कितने का गैप होगा, 4 का गैप होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर मैं इसका औसत बोलूँगा तो ये होगा 7 + 77 डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या होगा, 2। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो सेम कंडीशन में जब हमको यहाँ पर बोला है, जब हमको बोला है कि एवरेज निकालना है किसका, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, 3 के क्या बोला है, 3 के पहले 5 गुणजों को औसत बोला है। तो 3 का जो 3 होगा उसका पहला गुणज क्या होगा, 3 होगा, और 3 का जो 5वां गुणज होगा वो क्या होगा, 15 होगा। समझ में आया।
अब तीन का गुणज बोला है तो एक संख्या से दूसरी संख्या के मध्य जो अंतर होगा वो तीन ही का होगा, इसीलिए इनका औसत प्रथम संख्या तीन हुई एवं अंतिम संख्या 15 हुई, इसीलिए इसका जो औसत होगा वो होगा 18/2 और हमारा आंसर क्या हो जाएगा 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन हमको ये दिया हुआ है कि द एवरेज ऑफ फाइव नंबर्स इज 27, इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड द एवरेज बिकम्स 25, वी हैव टू फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर। पांच संख्याओं का औसत हमको दिया हुआ 27, यदि एक संख्या को बाहर किया जाए या हटा दिया जाए तो औसत 25 हो जाता है, तो बहिर्गत संख्या मतलब जिसे निकाला गया आपको वो निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं दो तरीके से पढ़ सकता हूँ। पहली बार आपको बोला है जो औसत था, औसत आपका यहाँ पर क्या हो गया, औसत आपका 27 से कितना हो गया है, 25 हो गया है। और मैं ये भी बोल सकता हूँ कि औसत में दो का यहाँ पर क्या आया है, औसत में दो का यहाँ पर क्या कमी आया है, ये मैं ऐसा भी पढ़ सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, पहले ट्रेडिशनल मेथड्स देखते हैं क्या होगा। आपके पास पहले पांच संख्या दिया हुआ है, पांच का औसत कितना दिया हुआ है 27, इसीलिए इन पांच संख्याओं का जो टोटल होगा वो कितना हो जाएगा, 27 × 5, ये हुआ 135। मतलब हमारे पास पांच संख्या दिया हुआ है, इन पांच संख्याओं का जो टोटल है ये आपको दिया हुआ है 135। अब इसमें से एक संख्या हटा दिया जाए तो हमारे पास कितनी संख्या बचेगी, चार, और चार संख्याओं का औसत कितना हो गया 25, तो ये चार का औसत कितना हुआ 25, और ये चार का टोटल कितना हो जाएगा 25 × 4, कितना हो जाएगा 100, ठीक है। तो इसका मतलब पहले आपके पास पांच नंबर्स दिए हैं, इन पांच नंबर्स का टोटल है 135, उसमें अगर मैं एक नंबर को हटा देता हूं तो मेरे पास चार संख्या बच जाती है, और उन चार संख्याओं का टोटल यहां पर कितना है 100, तो आपके पास जो एक नंबर जो निकला है वो कितना हो जाएगा 135 माइनस 100, और वो कितना हो जाएगा 35, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक, ये हमारा आंसर, तो आंसर कितना हो जाएगा 35। अच्छा, इसे एक मेथड से और बना सकते हैं, वो मेथड ये है कि जब भी यहाँ पर क्या होगा, जब संख्या को यहाँ पर क्या करते हैं, जब एक संख्या को निकालते हैं, मतलब जब एक व्यक्ति हट जाता है, जब एक व्यक्ति निकल जाता है, ठीक है, अगर औसत में कमी आया तो जो आने वाला वैल्यू होगा वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है, सॉरी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक। यहाँ पे याद रखना इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर कैसा है, आपके पास पहले कितना संख्या दिया है पाँच, पाँच का औसत कितना दिया हुआ है 27, अब एक संख्या हट गया है तो हमारे पास कितनी संख्या बची है, चार संख्या बची है, और औसत में कितने का कमी आया है, दो का कमी आया है, तो टोटल कमी कितना हुआ, चार दूनी कितना हुआ 8, ये आपको पहले ही बताया था। अब अगर सपोज आपका यहाँ पर क्या होगा, अब आपके पास पाँच संख्या है या जितने भी आपके पास नंबर है, अधिक वाला जाएगा तभी तो वैल्यू क्या होगा, औसत क्या होगा, कम होगा, ठीक है। क्या होगा, अगर आपके पास गिवन सेट ऑफ नंबर्स या कुछ व्यक्तियों का समूह है, अगर उनमें से जिसका मान अधिक है अगर वो जाएगा तो औसत में क्या होगा, कमी होगा, और हमारे पास जो व्यक्ति है उसमें से अगर कम वाला जाएगा तो औसत में क्या होगा, वृद्धि होगा, उल्टा होता है। जब व्यक्ति सम्मिलित होगा, अगर ज्यादा वाला आएगा तो औसत क्या होगा, बढ़ेगा, कम वाला आएगा तो औसत में यहाँ पर क्या होगा, कम होगा, जब इंक्लूजन होगा। जब व्यक्ति बाहर जाएगा तो अगर औसत में कमी होगा, इसका मतलब ज्यादा वाला निकला है ना, ज्यादा वाला निकला है, और अगर सपोज औसत में क्या होगा, वृद्धि होगा, तो इसका मतलब कम वाला निकला। हमको दो चीज याद रखना है और उसको कुछ याद रखना है। तो औसत में यहाँ पर क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर औसत जो गया होगा उसका वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो जो गया है उसका वैल्यू कितना आया है 35, ये हमारा आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लियर हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये आपको दिया हुआ है कि एवरेज, द एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी इज 45, इफ द एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी इज 40 kg, दैट ऑफ बी एंड सी इज 43 kg, देन वी हैव टू फाइंड द वेट ऑफ बी। ए बी और सी का औसत दिया हुआ है 45, आपके पास दिया हुआ है ए बी और सी, ये तीनों का औसत कितना दिया 45, तो ये तीनों का योग ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 45 × 3, 135,
35, यहाँ तक आया। अब हमको दिया ए और बी का औसत वजन कितना दिया, 40 किलोग्राम, तो इसका मतलब ए और बी का जो औसत है वो 40 दिया है, तो ए और बी का जो टोटल होगा वो हमारे पास कितना होगा, 80 होगा। और हमको दिया हुआ है बी और सी का औसत कितना दिया, 43 दिया हुआ है, तो बी और सी का टोटल कितना हो जाएगा, 43 गुणित 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 86। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में एक और तरीके से पूछ सकता है कि आपको बोलेगा कि तीन संख्याओं का औसत आपको 45 है, तीन संख्याओं का औसत आपको 45 है, उसमें से पहली दो संख्याओं का औसत 40 और अंतिम दो संख्याओं का औसत 43 है, तो आपको मध्य संख्या आपको निकालना है, बीच वाली संख्या आपको निकालना है, या कोई सी भी एक संख्या आपको निकालना है। अभी हम क्या करते हैं, ये इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। जब इन दोनों को जोड़े तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी, और ये दोनों को जोड़े तो वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, 166, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगा। और हम जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है, 135 है, उस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं a प्लस बी प्लस सी, तो हमारे पास बचेगा 135 प्लस बी इक्वल टू 166, और b का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 166 माइनस 135, और ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 31, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, ये हमारा आंसर ये इस वे में क्या होगा, कंटिन्यू हमारा होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि 25 व्यक्तियों का औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से एक का वजन 60 किलोग्राम होता है, एक नए व्यक्ति द्वारा यहाँ पर क्या होता है, प्रतिस्थापित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को क्या निकालना है, नए व्यक्ति का वजन निकालना है। ठीक, हमको यहाँ पर बोल रहा है 25 व्यक्तियों का औसत वजन क्या हो जा रहा है, 2 किलोग्राम बढ़ जा रहा है। ठीक है, रिप्लेसमेंट वाला बात हो रहा है। रिप्लेसमेंट में यहाँ पर क्या होगा, अगर सपोज आपको एक व्यक्ति गया है और एक व्यक्ति आया है, एक व्यक्ति गया है और एक व्यक्ति आया है, तो क्या व्यक्तियों की संख्या में कोई परिवर्तन होगा, नहीं, व्यक्तियों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वैसी का वैसी होगा। तो पहले कितने व्यक्ति थे, 25 व्यक्ति थे, एक गया और एक आया, तो अभी कितने व्यक्ति हैं, 25 व्यक्ति हैं। ठीक है, गया कितने वाला है, हम ये जानते हैं कि 60 किलोग्राम वाला गया है और 60 की जगह नए व्यक्ति आया है, नए व्यक्ति के आने से औसत में 2 का वृद्धि हो रहा है। अगर औसत में 2 का वृद्धि होगा तो कुल वृद्धि 25 लोगों में कुल वृद्धि कितने का होगा, कुल वृद्धि 50 का वृद्धि होगा, क्योंकि एक का जो औसत है वो 2 है, तो 25 का वृद्धि कितना हो जाएगा, 50, तो इस कारण जो नया वाला होगा उसका वेट कितना होगा, 110 किलो होगा, और ये हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है, द एवरेज एज ऑफ 24 स्टूडेंट्स एंड द क्लास टीचर इज 16 ईयर्स, इफ द क्लास टीचर्स एज इज एक्सक्लूडेड द एवरेज एज रिड्यूसेस बाय 1 ईयर, व्हाट इज द एज ऑफ द क्लास टीचर। 24 छात्र और एक कक्षा शिक्षक की औसत आयु कितना दिया, 16 वर्ष। यदि कक्षा शिक्षक की आयु को छोड़ दिया जाए तो औसत एक वर्ष क्या हो जाता, कम हो जाता है। इसमें बच्चे बहुत बार गलती करते हैं, क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, इसमें कॉमन गलती पता क्या करते हैं, कॉमन गलती ये करते हैं, यहाँ पर कुल विद्यार्थियों को या कुल संख्या को हम क्या कर लेते हैं, 24 ले लेते हैं। हम हड़बड़ी में ये चीज़ पढ़ना भूल जाते हैं और हम क्या कर लेते हैं, कुल संख्या कितना मान लेते हैं, 24, जबकि दिया गया है कि आपके पास 24 छात्र और एक कक्षा शिक्षक है, ये हमको दिया है। इसका मतलब कुल कितने हो गए, 25 लोग हो गए। ठीक है, कुल कितने हो गए, 25 हो गए। 25 का जो औसत है वो आपको कितना दिया हुआ है, 16 वर्ष आपको दिया हुआ है। ठीक है ना, अब यहां पर क्या हो रहा है कि एक आदमी निकल जा रहा है तो बचा कितना, यहां पर 24, एक आदमी जा रहा है तो क्या हो जा रहा है, कितने बच रहे हैं हमारे पास, 24 हो रहे हैं। और जब उस व्यक्ति के जाने से यहां पर क्या हो रहा है, जो औसत है उसमें एक का कमी आ रहा है, औसत में अगर एक का कमी आ रहा है,
औसत में अगर एक का कमी आएगा तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये हम जानते हैं निकलने वाले में क्या होगा, कमी में क्या होता है प्लस होता है, अधिक में यहाँ पर क्या होता है माइनस होता है, और यहाँ पर निकल रहा है कम हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर कमी कितने का हुआ है एक का हुआ है तो टोटल कमी कितना हो जाएगा 24 गुनित एक कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो जो नया वाला होगा वो कितना होगा 16 प्लस 24 हमारा आंसर कितना हो जाएगा 40। तो जो क्लास टीचर गया है उसकी आयु कितनी होगी वो हमारे पास होगा 40 वर्ष, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस चीज़ को भूलना मत, आपको बार बार बता रहा हूँ, जब व्यक्ति सम्मिलित होगा अगर प्रतिशत में वृद्धि होगा तो हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, कमी होगा तो क्या करेंगे माइनस करेंगे, और जब व्यक्ति निकलेगा जब निकाल दिया जाएगा जब कम होगा तो क्या होगा वृद्धि होगा तो माइनस करेंगे, कमी होगा तो क्या करेंगे प्लस करेंगे, और रिप्लेसमेंट में क्या होगा अगर कमी होगा तो माइनस करेंगे वृद्धि होगा तो यहाँ पर क्या करेंगे प्लस करेंगे। ये तीन चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे और क्वेश्चन देखते हैं आगे आएंगे तो। चलिए, अब हमको बोला है कि एवरेज मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 40 व्हाइल दैट ऑफ द अनदर क्लास इज 50। 50 स्टूडेंट्स का कितना दिया 60। आपको सभी क्लास का औसत निकालना है। ठीक है, 30 छात्रों की कक्षा का औसत अंक कितना दिया हुआ है 40, और 50 छात्रों का एक और वर्ग है एक और ग्रुप है उनका औसत कितना दिया है 60, और हमको क्या निकालना है सभी छात्रों का औसत निकालना है। पहले कितने स्टूडेंट हैं हमारे पास, पहले हमको दिए हैं हमारे पास पहले 30 स्टूडेंट्स हैं और उनका एवरेज कितना दिया है 40, तो इन 30 स्टूडेंट्स का जो टोटल होगा वो कितना हो जाएगा 1200 आपस में मल्टीप्लाई किए। ठीक, हमारे पास एक और वर्ग है मतलब हमारे पास एक और क्लास है, उस क्लास में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 50, और उन 50 का औसत हमको कितना दिया हुआ है 60, तो इसीलिए उन सभी संख्याओं के उन सभी 50 विद्यार्थी हैं उनका औसत 60 है तो उनका टोटल कितना हो जाएगा 3000। तो इस प्रकार हमारे पास कुल कितने हो गए, हमारे पास कुल 80 विद्यार्थी हो गए, और उन 80 विद्यार्थियों का जो योग है वो कितना है वो है 4200। 80 विद्यार्थियों का जो योग है 4200 है, तो इन सारे 80 का योग कितना हो जाएगा वो होगा 4200 बटे 80, ये ख़त्म हुआ 4 से 105 बार में 4 से 2 बार में, ये टॉपिक यहाँ पे कटा, ये 52.5 ये हमारा फाइनल आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है द एवरेज, बहुत बार और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एवरेज का, बहुत बार पूछा ये आपको, खासकर पीएससी और व्यापम में आपको ये बहुत बार पूछा है, और ये आपको अलग अलग तरीके से भी आपको पूछा हुआ है। ठीक है, ये आपको बोला है कि आपका सोमवार मंगलवार बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान 48 डिग्री है, और मंगलवार बुधवार गुरुवार और शुक्रवार का औसत तापमान 46 डिग्री था। यदि सोमवार को तापमान 42 डिग्री था तो आपको शुक्रवार का निकालना है। तो हमारे पास क्या हो गया, 5 दिन के बारे में बात हो रहा है, ये हमको दिया हुआ है मंडे दिया हुआ है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और हमको दिया हुआ है थर्सडे, मतलब ये 4 दिनों का औसत तापमान कितना दिया हुआ है, औसत तापमान दिया हुआ है 46, तो इन 4 दिनों का जो टोटल होगा वो मेरे पास होगा 48 दिया, पहले कितना दिया है पहले हमको दिया 48 दिया हुआ। ठीक है, तो 48 × 4 ये हो जाएगा 192। ठीक है, कब, सोमवार से लेकर कहाँ तक, गुरुवार तक। उसके बाद हमको दिया हुआ है गुरुवार से लेकर शुक्रवार मंगलवार बुधवार गुरुवार और शुक्रवार का जो औसत तापमान वो कितना दिया हुआ है 46 दिया हुआ है ना, 46 × 4 तो ये कितना हो जाएगा 184, ये हमारे पास हुआ। तो ये समीकरण नंबर प्रथम आया और ये द्वितीय आया। ठीक, ये समीकरण नंबर एक, समीकरण नंबर दो। अब दो को हम एक से घटा लेते हैं, दो को हम जब एक से घटा लिए मतलब इस पूरे को
अगर हम इस पूरे को इससे घटा देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा मेरे पास मंडे और साथ में क्या बचेगा फ्राइडे, और इसमें ये दोनों का घटा देंगे तो आंसर कितना बचेगा 8। ये पहला कंडीशन होगा। और हमको दिया हुआ है मंडे का तापमान दिया है, मंडे का तापमान कितना दिया हमको 42 डिग्री दिया हुआ है, तो इसका मतलब 42 माइनस फ्राइडे बराबर क्या हो जाएगा 8। फ्राइडे को इधर लेके गए और उसको इधर लेके आए तो फ्राइडे बराबर क्या हो जाएगा 42 माइनस 8, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 34 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, यही सेम क्वेश्चन ना आपका पीएससी में एक बार किस तरीके से पूछा था, ये आपको पूछा था कि सोमवार मंगलवार बुधवार और गुरुवार को गुरुवार की औसत वर्षा 48 मिलीमीटर है, मंगलवार बुधवार गुरुवार और शुक्रवार की औसत वर्षा 46 मिलीमीटर है। ठीक है, ये हमको दिया है। यदि सोमवार को 42 मिलीमीटर वर्षा हुई थी तो शुक्रवार को कितने मिलीमीटर वर्षा हुई थी, आपको ये पूछेगा। ठीक, और सेम क्वेश्चन को और कैसे करके पूछ सकता है कि हम देखते हैं सोमवार से शुरू किए हैं और ख़त्म कहाँ पे किए हैं, शुक्रवार पे किए हैं। ठीक है ना, मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे, हमारे पास 5 दिन के बारे में बात हो रही है। इस 5 दिनों में पहले में बात कब हुआ है, सोमवार से लेकर कहाँ तक बात हुआ है, गुरुवार से, और दूसरे में गुरुवार से लेकर कहाँ बात हुआ है, शुक्रवार तक। तो मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से बोल सकता हूँ कि 5 संख्याओं में प्रथम 4 का औसत 48 है एवं अंतिम 4 का औसत 42 है। यदि प्रथम संख्या 42 हुआ तो हमको पता करना है कि अंतिम संख्या कौन सा हुआ, तो ये आपको अलग अलग तरीके से आपको कंफ्यूज करके आपको पूछ सकता है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका हर एग्जाम में लगभग पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि 50 संख्याओं का औसत कितना दिया हमारे पास, दिया हुआ है 36। ठीक है, बाद में पाया गया अवलोकन में कि 48 को क्या कर दिया, गलत तरीके से कितना लिख दिया 23 लिखा है। भाई लिखना था 48 लेकिन लिखा कितना 23। ठीक है, कभी कभार क्या होता है एरर आ जाता है, ये एरर वाला क्वेश्चन है आपका। ठीक, आपको यहाँ पर क्या दिया, 50 संख्या दिया हुआ है और 50 का औसत कितना दिया हुआ है 36। ठीक है, तो इसका मतलब पूरे 50 का जो टोटल है वो कितना हो जाएगा 1800। ठीक है, ये उसका एग्जैक्ट वैल्यू ये आपका होना था, लेकिन क्या हुआ, ये जो 50 का औसत 36 कब लिया गया है, कब, जब एक नंबर उसको बोलना था कि भाई ये 48 लिखना है उसको, लेकिन उस बंदे ने गलती से क्या लिख दिया है 23 लिख दिया है ना भाई। लिखना कितना बोलना था उसको, लिखने बोला था 48 लेकिन लिखा कितना है 23, तो उस व्यक्ति ने 25 क्या किया है, 25 कम लिखा है, क्योंकि लिखना 48 था और लिखा 23 है, तो 25 कम लिखा ना भाई, कितना कम लिखा 25 कम लिखा। तो जब वो कैलकुलेशन करके टोटल निकाल रहे के 1800 किया है तो उसका टोटल 1800 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसमें 25 कम लिखा है तभी तो 1800 लिखा हुआ है। तो उस वक्त क्या हो जाएगा, जो हमारे पास करेक्ट टोटल होगा वो कितना हो जाएगा 1800 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा 1800 क्या हो जाएगा 25, 1800 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और हमारे पास कुल संख्या कितनी है 50, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे उसको 50 से डिवाइड कर देंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 36.5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, ये नॉर्मल मेथड हुआ है ना। अब इसको हम और किस तरीके से कर सकते हैं, हमको यहाँ पर दिया हुआ है 50 संख्या दिया है और उसका औसत कितना दिया हुआ है 36। अब भाई लिखना था 48 लेकिन लिखा कितना है 23, इसका मतलब कम लिखा है, तो औसत में यहाँ पर क्या होगा वृद्धि होगा, क्योंकि कम लिखा है ना, औसत में वृद्धि होगा। तो यहाँ पर कितना कम लिखा है 25 कम लिखा है, तो 50 संख्या को हिसाब से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5 क्या करेगा, डिवाइड करेंगे 0.5 क्या हुआ है 0.5, औसत के हिसाब से कम लिखा है
तो एक्चुअल जो औसत होगा वो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास होगा 36.5। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसा आपको एक और क्वेश्चन बता देता हूँ, दो संख्याओं वाला, आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक, ये जो क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन आपको एक संख्या था, मतलब एक संख्या गलत तरीके से उसने क्या किया, रिप्रेजेंट किया। अब अगर सपोज मान लो, सपोज यहाँ पे दो संख्याओं की बात कर लेते हैं, जैसे मैंने बोला कि आपके पास 10 नंबर है और उस 10 नंबर का जो औसत है उसने क्या लिखा है, 30 लिया है। गलती क्या हुआ है, नंबर 25 लिखना था, उसको 25 लिखना था, उसने क्या लिख दिया, उसको 52 लिख दिया। भाई लिखना था उसको सही में 25, लेकिन लिखा कितना है 32, और एक जिसको लिखना था 63, उसने गलती से क्या कर दिया, उसको लिख दिया गलती से, उसने उसको 34 लिख दिया। समझ में आ रहा है, तो क्या करेगा, लिखना था 25 लेकिन लिखा कितना है 52, इसका मतलब उसने 27 अधिक लिखा है। उसने क्या लिखा है, उसने 27 अधिक लिखा है, तो इसका मतलब जो एग्जैक्ट वैल्यू होगा उसमें 27 क्या होगा, 27 कमी होके आएगा। बात समझ में आ रहा है। और दूसरा कंडीशन, उसको लिखने बोला था 63 लेकिन लिखा कितना उसने 34, उसने कम लिखा है। उसने क्या किया, उस बंदे ने कम लिखा है, और उसने कितना कम लिखा है, उसने 24 कम लिखा है। ठीक है ना भाई, सॉरी, लिखना था 63 लेकिन लिखा कितना, यहाँ पर लिखा उसने 34 है, तो उसने क्या किया, 29 क्या लिखा, कम लिखा है, क्योंकि उसको लिखने बोला 63 लेकिन लिखा 34, इसका मतलब उसने 29 क्या लिखा है, कम लिखा है। तो जो सही वैल्यू होगा ना वो क्या होगा, 29 बढ़ के आएगा। तो एक बार क्या किया उसने, 27 कम लिखा है, और एक बार 29 अधिक लिखा है, तो जो करेक्ट वैल्यू होगा, तो करेक्ट वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, उसमें 2 का क्या होगा, वृद्धि होगा। जो करेक्ट वैल्यू होगा वो 2 का वृद्धि होगा, और हमारे पास कितनी संख्या है, 10 संख्या है, तो औसत में कितने का फर्क पड़ेगा, 0.2 का वृद्धि होगा, और जो नया औसत होगा वो हमारे पास होगा 30.2, ये हमारे पास नया आंसर होगा। क्लियर हो गया, ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास नया आंसर हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको ऐसा पूछ सकता है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये आपको बोल रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि 8 पुरुषों की औसत आयु वर्षों से बढ़ जाती है जब उनमें से 2 व्यक्ति जिनकी उम्र 21 और 23 वर्ष है को 2 नए पुरुषों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। मतलब 8 मेन का जो एवरेज है वो क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। कब, जब 21 और 23 जा रहा है और उनकी जगह 2 नए आ रहे हैं। अच्छा, पहले हम ये देख लेते हैं, जा कौन रहा है, 21 और 23 वाला जा रहा है, 21 और 23 वाला जा रहा है, मतलब 44 जा रहा है। ठीक है ना भाई, हमारे पास क्या हो रहा है, 44 यहाँ पर जा रहा है। अच्छा, 2 व्यक्ति गए हैं, जब आपके पास 2 व्यक्ति गए हैं और उसकी जगह 2 व्यक्ति आए हैं, तो क्या व्यक्तियों की संख्या में परिवर्तन होगा, क्या व्यक्तियों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पहले भी 8 व्यक्ति थे और अभी भी कितने व्यक्ति होंगे, 8 ही व्यक्ति होंगे, क्योंकि 2 गए हैं और 2 आए हैं। लेकिन ये 21 और 23 की जगह 2 व्यक्ति आने से औसत में क्या फर्क पड़ रहा है, औसत में 8 व्यक्ति आयु यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 वर्ष यहाँ पर क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। ठीक है, दिए ना, इंक्रीज बाई ईयर्स। अच्छा, इंक्रीज बाई ईयर्स मतलब 1 साल, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2 साल है, ठीक, इंक्रीज बाई 2 ईयर्स है। ठीक, आयु वर्षों में आयु 2 वर्षों से बढ़ जाती है, ठीक है, इंक्रीज बाई यहाँ पे 2 ईयर्स है। ठीक, तो ये 8 लोग हैं, 8 लोग का जो औसत है, औसत में 8 लोग में 2 का वृद्धि हो रहा है, तो ये जो टोटल वृद्धि है वो कितने का हो जाएगा, 16 का वृद्धि होगा, और जो नए लोग आएंगे वो कितने साल के होंगे, वो आपके पास होंगे 60 साल के होंगे। तो जो 2 नए लोग आए हैं ना, उनका जो टोटल है वो 60 साल का है, तो वो दोनों का औसत कितना हो जाएगा, 2 डिवाइड करेंगे तो उन 2 नयों का औसत कितना हो जाएगा, वो हमारे पास 30 होगा। ये हमारा आंसर। ये सारे क्वेश्चन जो एमसीक्यू के सीरीज में ले रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि विगत परीक्षाओं को पैटर्न को पढ़ते हुए और अपकमिंग एग्जाम को जो पैटर्न है थोड़ा सा हाई हो गया है, और यूपीएससी में
या अलग अलग पीएससी में कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे हैं तो उसका हमने यहाँ पर क्या क्या समावेश किया है ताकि अपकमिंग एग्जाम में आपको ये सब दिक्कतें ना हो और आपको कोई नया प्रश्न आपको आ गया तो उसमें दिक्कत ना हो और आप उसको इजीली यहाँ पर क्या कर लिए सॉल्व कर लिए। तो जब आपका ये टॉप एमसीक्यूज चल रहा है जिसके माध्यम से हम पूरे सीजीपीएससी कोर्स को पूरा करा रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको कम समय में आपका पूरा का पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा और प्लस आपको क्या होगा जो अपकमिंग एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं आपको उसकी भी यहाँ पर क्या हो जाएगी आइडिया हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। ये आपको दिया हुआ है, एक कक्षा के छात्रों की औसत आयु 15.8 है, लड़कियों की औसत आयु आपको दिया है 16.5 और लड़कियों की औसत आयु कितना दिया है, और लड़कियों का औसत आयु जो दिया वो हमको दिया 15.4। तो लड़की की संख्या बोले में लड़कियों की संख्या का अनुपात निकालना है, मतलब आपको दिया हुआ है एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास कितना दिया, 15.8 दिया, सबका कितना दिया 15.8 दिया हुआ है। जो बॉयज है उसमें बॉयज का कितना दिया हुआ है 16.4 दिया हुआ है और गर्ल्स का कितना दिया है 15.4। तो आपको क्या निकालना है, पूरे क्लास का निकालना है। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका एवरेज का मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है आपका। ठीक, मिक्सचर एलिगेशन बनता कैसे ये देखते हैं। आपके पास बॉयज है और आपके पास गर्ल्स है और यहाँ पर आपके पास टोटल लोग हैं, मतलब पूरे बॉयज और गर्ल्स मिला के पूरे यहाँ पर क्या बना रहा है, क्लास बना रहा है। ठीक है, यही तो होगा, बॉयज और गर्ल्स मिला के यहाँ पर क्या बना रहे हैं, क्लास बना रहे हैं। ठीक, बॉयज का एवरेज कितना दिया हुआ है, बॉयज का दिया हुआ है 16.4 और गर्ल्स का कितना दिया हुआ है 15.4 और पूरे क्लास का जो पॉपुलेशन है जो दिया हुआ है एवरेज वो हमको दिया हुआ है 15.8 हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर एलिगेशन में क्या करेंगे, यहाँ पर इसको बड़े को छोटे से माइनस किए तो ये वैल्यू 0.4 होगा और यहाँ पर अगेन बड़े को छोटे से माइनस किए तो वह वैल्यू क्या होगा 0.6 होगा। दोनों में पॉइंट पॉइंट काट जाते हैं तो यहाँ बचेगा 4 और यहाँ पर 6 होगा और ये अनुपात कितना होगा 2:3, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगर बोलेगा कि बॉयज और गर्ल्स का कितना होगा तो हमारे पास 2:3 होगा। एग्जाम में बहुत बार ऐसा ही पूछता है आपको कि यहाँ पर क्या बोलेगा लड़कियाँ और लड़कों का अनुपात कितना होगा, तो वो कितना हो जाएगा 3:3 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये बहुत बार आपको एग्जाम में ऐसा पूछता है, तो हड़बड़ी नहीं करना उसको, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान से, उसके बाद आप आराम से निर्णय लेके बनाएंगे उसको। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 20 एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज रुपीज 1500, इफ द मैनेजर सैलरी इज एडेड देन द एवरेज इंक्रीजेस बाय रुपीज 100, व्हाट इज द मैनेजर्स मंथली सैलरी। एक संगठन में 20 कर्मचारियों को औसत कितना दिया हुआ है 1500, देखो 20 का औसत कितना दिया हुआ है 1500। प्रबंधक मतलब एक आदमी आ जा रहा है, कितना आ रहा है, आपके पास एक आदमी एंट्री कर जा रहा है तो उसमें औसत टोटल कितने हो जाएंगे 21। समझ में आ रहा है, ये आपको पहले बताया था, जब व्यक्ति क्या होगा, व्यक्ति या संख्या सम्मिलित होगा, औसत में बढ़ेगा तो क्या करेंगे प्लस करेंगे, कम में क्या करेंगे माइनस करेंगे। जब व्यक्ति निकलेगा या संख्या निकलेगा, औसत में कमी आएगा तो क्या करेंगे प्लस करेंगे, अधिक में क्या करेंगे माइनस करेंगे। और रिप्लेसमेंट, जब व्यक्ति क्या होगा निकला जाएगा और उसकी जगह दूसरा व्यक्ति आएगा, रिप्लेस होगा, बढ़ेगा तो प्लस करेंगे, कम होगा तो क्या करेंगे माइनस करेंगे। वो दो चीज़ हमको, तीन चीज़ों को याद रखना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 20 कर्मचारी हैं उसमें एक नया व्यक्ति आ जा रहा है, इसीलिए हमारे पास कितने लोग हो गए 21 लोग हो गए। और इस एक आदमी के आने से, प्रबंधक के आने से औसत में 100 का वृद्धि हो रहा है। औसत में कितने का वृद्धि हो रहा है, 100 का वृद्धि हो रहा है, तो मतलब 1500 का वैल्यू क्या होगा, जो पहले औसत था बड़ा है। और यहाँ पर टोटल कितना बढ़ेगा, अगर औसत में 100 का वृद्धि हुआ तो टोटल कितना वृद्धि हुआ 2100 का वृद्धि हमारे पास हुआ। पहले 1500 था, 2100 का वृद्धि हुआ तो ये कितना हो जाएगा 3600। इसका मतलब जो प्रबंधक आए, जो मैनेजर आया है, उसका वैल्यू कितना होगा, मासिक वेतन कितना होगा 3600 होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपको दिया हुआ एक मोटर यात्री, 50 प्रति घंटे की औसत गति से 150 किलोमीटर की दूरी यात्रा तय करता है और 30 किलोमीटर की यात्रा पर यहाँ पर क्या करता है, लौटता है,
तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल निकालना है, ठीक है। अच्छा, ये बोल रहा है कि पहले ये बंदा 150 किलोमीटर गया है, कितनी चाल से? भाई 50 की चाल से। और फिर यही 150 किलोमीटर आ रहा है, कितने की चाल से? 30 की चाल से, ठीक है ना। पहले 150 गया 50 की चाल से, तो यहाँ पर उसको कितना घंटा लगा? 3 घंटा लगा। और फिर ये 150 वापस आया है 30 की स्पीड से, तो यहाँ पर कितना घंटा लगा? 5 घंटा लगा। और उसको कुल कितना घंटा लगा? 8 घंटा लगा। गया कितना दूर है? पहली बार 150 गया है, फिर 150 आया है, कुल जो दूरी है, कुल जो दूरी है वो कितना गया है? 300, ठीक है। जब यहाँ पर बात करेगा औसत गति का, जब हमको एवरेज स्पीड का बात करेगा, औसत गति का बात करेगा, तो फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है? फॉर्मूला आपका होता है कि उसने जितनी भी डिस्टेंस को कवर की है, टोटल डिस्टेंस, जितनी भी दूरी कवर की है, बटे यहाँ पर क्या हो जाता है? कुल समय, ये हमारे पास आ जाता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है? औसत समय का हमारे पास क्या होगा? औसत चाल का हमारे पास क्या होता है? सूत्र होता है। कुल दूरी बटे यहाँ पर क्या होता है? कुल समय हमारे पास होता है। तो कुल दूरी कितना हो गया? 300। कुल समय कितना हुआ? 8 घंटा। तो 800, 300 बटे 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 75/2, और हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा आंसर होगा। उसकी गति बोलेगा तो 37.5 हमारे पास होगा, ठीक है। अच्छा, इसी से मिलता जुलता जो इंटररिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको इस प्रकार है। अगर मैं किसी भी जगह एक्स की चाल से जाता हूँ और उस जगह वाई की चाल से आता हूँ, चाहे वो दूरी कितना हो, 100, 150, 200, 300 या नहीं भी दिया हो, एक बार मेरी चाल, जाते वक्त मेरी चाल कितनी है? जाते वक्त मेरी चाल है एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, और वापसी मेरी चाल यहाँ पर क्या दिया? वाई किलोमीटर प्रति घंटा। या फिर एक आपको दूरी दिया हुआ है, उस दूरी का आधा भाग, उस दूरी का एकदम आधा, एग्जैक्ट आधा भाग मैं एक्स की चाल से जा रहा हूँ, और बाकी जो रिमेनिंग आधा भाग बचा है उसको मैं वाई की चाल से कवर कर रहा हूँ, तो पूरी यात्रा का औसत चाल क्या होगा? या दो समान दूरी है, ये और ये दूरी, दोनों दूरी इक्वल डिस्टेंस है, अगर मान लो ये 10 है तो ये भी कितना होगा? 10 होगा। ये 20 है तो ये भी कितना होगा? 20 होगा। अगर सपोज ये 4 है तो ये भी कितना होगा? 4 होगा। दोनों की दूरी यहाँ पर क्या होगी? समान होगी। दूरी दिया होगा तो भी अच्छी बात है, नहीं दिया होगा तो भी अच्छी बात है। एक बार आप उसको x से कवर कर रहे हैं और एक बार उसको y चाल से कवर कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में जो भी आपका औसत, जो भी आपका एवरेज स्पीड होगा वो होगा 2 into x into y upon x plus y। ये हमारे पास सूत्र होता है। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि हमको दूरी कितना दिया और 150। हमको दूरी से मतलब नहीं है, हमको ये मतलब है कि दोनों का जो चाल है उससे मतलब है, ठीक। दूरी चाहे जो भी हो, चाहे वो 100 हो, 200 हो, 300, 150, 400, 500, हमको उससे फर्क बिल्कुल नहीं पड़ने वाला है। अब एक बार चाल कितने का था? 50 का था, तो 2 into 50 into 30 upon यहाँ पर क्या किए? 50 + 30 किए, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 80 हुआ। यहाँ पे कटा एक बार में, और यहाँ पर चार बार है, 50 थी, कितना हो गया? 150/4, अगेन 2 से काटे तो 75/2, एंड द फाइनल वैल्यू इज 37.5। ये हमारा आंसर है, ठीक है। ये बात कब हो रही है? ये बात जब दो चालों के बीच की बात हो रही है, तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2xy upon x plus y होगा। अब अगर सपोज, अच्छा इसको उतार लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आ रहे हैं। अब अगर सपोज यही मैं 3 के बारे में बात करूंगा, जैसे एक आपकी दूरी है, उस दूरी का मैं एक तिहाई भाग, एग्जैक्ट एक तिहाई भाग x से कवर कर रहा हूं, और जो उसके बाद का जो एक तिहाई है मैं y से कवर किया, और उसके बाद का जो एक तिहाई है मैं z से कवर किया। पहला एक तिहाई x से कवर किया, उसके बाद का एक तिहाई मैंने z से कवर किया है, और y से, और उसके बाद का जो एक तिहाई है उसको मैंने z से कवर किया है। या फिर एक दूरी को पहली बार मैं x की स्पीड से गया, वापसी y की स्पीड से कवर किया, फिर वापस आया z की स्पीड से,
यह तीन समान दूरियां हैं, तीन समान दूरियां हैं, एक बार x से, एक बार y से और एक बार z से कर रहा हूं। इस कंडीशन में अगर मुझे पूछेगा कि औसत चाल क्या होगा, तो औसत चाल होगा 3 × x × y × z / x × y + y × z + z × x, ये हमारा आंसर होगा। अगर हमको तीन का देगा, दो का देगा, तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे जो सबसे ज़्यादा यही पूछता है। लेकिन अगर सपोज आपको पीएससी लेवल बढ़ा दिया है, तो आपको ये तीन वाला भी आपको इस तरीके से पूछ सकता है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। ये आपको दिया हुआ है, 9 परिणामों का औसत कितना दिया है, 50, पहले 5 का औसत कितना दिया हुआ है, 52, और बाद के 4 का, सॉरी पहले 4 का औसत कितना दिया है, 52, और लास्ट के 4 का औसत कितना दिया, 49। आपको पांचवी संख्या निकालनी है। अच्छा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, हमारे पास क्या दिया, हमारे पास ये 9 संख्या दिया हुआ है, और 9 संख्याओं का, इन सभी 9 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 50, तो इन सभी का टोटल कितना होगा, 450। ये पहला कंडीशन आया, ठीक है। इसमें कह रहा है कि ये जो, सॉरी, इसमें ये जो कह रहा है, ये जो पहली आपकी चार संख्या है, इन चार का औसत कितना दिया हुआ है, 52, तो इसका मतलब इन चारों संख्याओं का जो टोटल होगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 208, ठीक है ना। और बोल रहा है कि अंतिम चार का औसत कितना दिया, 49, मतलब ये हमको जो ये चार संख्या दिया हुआ है, इनका कितना दिया, 49, तो इसका मतलब ये जो हमारे पास चार संख्या है, ये जो हमारे पास चार संख्या है, इन चार का टोटल कितना हो जाएगा, 196। ऐसा मान लेते बीच में ये जो संख्या बचा उसका क्या मान लेते हैं, x। तो इस प्रकार ये पहली चार संख्या हुई, ये अंतिम चार संख्या हुई, और ये बीच की संख्या हुई, और इन सभी संख्याओं का जो टोटल है वो कितना है, 450, ठीक है भैया। 8 × 6 = 14 + 4 = 1 + 9 = 10 + 0 = 1 + 2 = 3, और ये क्या हो जाएगा, 404 + x = 450। एक्स हो जाएगा 450, 450 माइनस 404, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 46, और ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर क्या दिया था, अपने को पहली चार संख्या दिया था, और हमको क्या दिया, अगली चार संख्या दिया, और बीच की संख्या निकालना है। आपको ये भी पूछ सकता है कि पहली 5 संख्या दिया और अंतिम 5 संख्या दिया हुआ, आपको ये भी पूछ सकता है, तो उसको ध्यान में रखेंगे। चलिए ये अगला क्वेश्चन, ये भी आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आपको दिया हुआ है कि आपको यहाँ पर बोल रहा है कि एवरेज मार्क्स ऑप्टेन बाय 120 स्टूडेंट, 120 विद्यार्थियों का जो औसत अंक है वो कितना दिया हुआ है, 35, ठीक है। उसमें जो पास हुए हैं वो कितना दिया, 39, और जो फेल हुए हैं वो कितना दिया हमारे पास, 15 हमको दिया हुआ है। आपको ये पता करना है कि कितने विद्यार्थी पास हुए हैं, कितने विद्यार्थी फेल हुए हैं, ठीक। इससे पहले हमने जो मिक्सर एलिगेशन का क्वेश्चन किया था, जिसमें हम लड़के और लड़कियों का कर रहे थे, ये सेम वही प्रश्न है, ठीक है। आपको दिया हुआ है कि ये दिया हुआ है, ये आपको दिया है पास वाले, और ये आपको दिए हैं फेल वाले। पूरे जो विद्यार्थी, मतलब पूरे क्लास है, पूरे क्लास का जो औसत है वो हमको दिया हुआ है 35। तो जो पास हुआ है उनका कितना दिया हुआ है, 39, और जो फेल हुआ है उनका कितना दिया हुआ है, जो फेल हुआ है उनका कितना दिया हुआ है, 15। यहाँ तक आया, बड़े में से छोटे को घटा लिए, यहाँ अंतर कितने का आया, 20, बड़े में से छोटे को घटाए, यहाँ अंतर कितने का आया, यह आपका आया कितने का, 4 का अंतर आया। ये दोनों किससे कटेगा, ये दोनों कटेगा 4 से, 5 बार में, और कितने बार में, 1 बार में, 5 और कितने बार में, 1 बार में आपके पास यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास कटेगा, ठीक है। तो इसका मतलब पास और फेल, पास और जो फेल है उनका अनुपात कितना है, 5:1, ये हमको दिया है। हमको निकालना है परीक्षा में
उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या निकालना है। कुल मतलब हमारे पास 6 भाग हैं, उस 6 भाग में 5 भाग क्या है, पास वाले हैं, और फेल वाले कितने भाग हैं, 1 भाग है। अगर बोलेगा पास वालों को बोलेगा तो 5/6 मल्टीप्लाइड बाई टोटल 100, कितने लोग हैं, 120 लोग हैं। एक बार में 20 बार में 20 पंचे कितना हो जाएगा, 100। अगर आपको बोलेगा पास वाले विद्यार्थी कितने हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 100। और अगर बोलेगा फेल विद्यार्थी कितने हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 20। और हमको प्रश्न में पूछा क्या है कि उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या, तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा उम्मीदवार में, 100, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक, ये आपका नंबर सिस्टम से मिला हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका नंबर सिस्टम से मिला हुआ क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरे से दुगुना और तीसरे से 3 गुना है। यदि इन 3 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 44, आपको निकालना है, पहली संख्या आपको ज्ञात करनी है। अच्छा, एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर मैं बोला कि मैं हूँ, अगर मैं बोला कि मैं आपका डबल हूँ, मैं आपका डबल हूँ, तो आप मेरे कितने हो जाओगे, हाफ। अगर मैं आपका ट्रिपल हूँ तो आप मेरे कितने हो जाओगे, 1/3। अगर मैं आपका आधा हूँ तो आप मेरे कितने हो जाओगे, डबल। अगर मैं बोला कि मैं आपका 2/3 हूँ, मैं आपका 2/3 हूँ, तो आप मेरे क्या हो जाओगे, 3/2। जस्ट क्या होता है, इनवर्स हो जाता है। ठीक है, अगर मैं आपका डबल तो आप मेरे हाफ हो जाओगे, मैं आपका हाफ तो आप मेरे डबल हो जाएंगे, मैं आपका 2/3 तो आप मेरे क्या हो जाएंगे, 3/2 हो जाएंगे। ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट होता है। ठीक, अब इसी को आप प्रश्न समझते हैं। हमको 3 संख्या बोला है, हम मान लेते हैं ये हमारे पास पहली संख्या है, ये हमारे पास दूसरी संख्या है, और ये हमारे पास तीसरी संख्या है। ये अब 3 संख्याओं में यहाँ पर क्या बोल रहा है, हमको कंडीशन बोल रहा है पहली संख्या दूसरे से दुगुना है, पहली संख्या दूसरे से दुगुना है। अगर दूसरी संख्या x हुआ तो पहली संख्या यहाँ पर क्या हुआ, 2x हुआ। अगर दूसरी संख्या यहाँ पर क्या हुआ, x हुआ, तो पहली संख्या यहाँ पर क्या हुआ, 2x हुआ। और कंडीशन बोल रहा है आपको 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरे से दुगुना और तीसरे से तिगुना है। मतलब ये जो नंबर है ना, ये नंबर, इसका तो यहाँ पर क्या है, डबल है, और इसका यहाँ पर क्या है, ट्रिपल है। अगर ये जो नंबर है ये इसका ट्रिपल होगा, तो ये जो नंबर होगा ये इसका क्या होगा, 1/3 होगा, और ये नंबर कितना है, 2x है, इसलिए जो तीसरी संख्या होगी वो कितनी होगी, 2x/3 होगी। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर क्या दिया, तीनों का औसत कितना दिया, 44। तो इसका मतलब ये जो संख्या आपको दिया हुआ है, ये इन संख्याओं का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा, 44 × 3 हमारे पास हो जाएगा। इनका लघुत्तम 3 हुआ, ये 6x हुआ, ये 2x हुआ, और ये x हुआ, इक्वल टू 132 हमारे पास होगा। और ये 2x है, और यहाँ पर ये 3x हो जाएगा। हम यहाँ पे लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2x + x + 2x/3। ये तीनों का औसत 44 है, तो ये तीनों का टोटल कितना हो जाएगा, 44 × 3। लघुत्तम यहाँ पे 3 आया, यहाँ पर हुआ 6x, यहाँ पर हुआ 3x, यहाँ पे 2x हुआ, इक्वल टू 132 हो जाएगा। ये तीनों को प्लस किए तो 11x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 132 × 3, x इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 132 × 3/11 एक बार में, और 12 बार में, 12 × 3 कितना हुआ, 12 × 3 हमारे पास कितना हुआ, 36। ठीक है, 12 × 3 कितना हो गया, 36। तो x का वैल्यू हमारे पास कितना हो गया, 36। ये हमारे पास वैल्यू हो गया, x वैल्यू कितना हो गया, 36। हमको बोला क्या है, पहली संख्या निकालने बोला है। पहली संख्या में x का वैल्यू यहाँ पर कितना हमको, 2x है,
2x है, इसीलिए पहली संख्या क्या हो जाएगा, 2 × 36, और वो आंसर कितना हो जाएगा, 72। ये हमारा आंसर हो जाएगा 72। क्लियर हुआ? तो ये हमारे पास क्या था, औसत था एमसीक्यू सीरीज का। ये ऐसे क्वेश्चंस थे जो आपको अक्सर आपको एग्जाम में यहाँ पर पूछे हुए हैं, या आपको बहुत बार एग्जाम में पूछे हुए हैं, ये वाला क्वेश्चन है इस टाइप का। अब जल्दी मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए